मध्य प्रदेश में मदरसों और शिशु मंदिरों को लेकर राजनीति तेज हो गई है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने 3 दिन पहले प्रदेश में चल रहे मदरसों के सिलेबस की जांच करने की बात कही थी, तो कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सरस्वती शिशु मंदिरों की जांच करने की मांग करते हुए गृह मंत्री पर धार्मिक ध्रुवीकरण करने का आरोप लगा दिया। इस बीच देखिए सरस्वती शिशु मंदिरों में किस तरह अध्ययन के साथ संस्कार दिए जाने का काम हो रहा है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश के कुछ मदरसों में आपत्तिजनक पढ़ाने का मामला संज्ञान में आया, मैंने भी उसे देखा है। इस तरह की किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए मदरसों की पाठन सामग्री को जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश देकर संबंधित जिले के शिक्षा विभाग से उस स्टडी मटेरियल की स्क्रूटनी कराने को कहा गया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पाठन सामग्री आपत्तिजनक ना हो। गृह मंत्री के इस बयान पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने नाराजगी जाहिर करते हुए शिशु मंदिरों की जाँच कराने की मांग की। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने विधायक आरिफ मसूद के बयान पर कहा, सरस्वती शिशु मंदिर का सिलेबस शासन से मान्यता प्राप्त है। सरस्वती शिशु मंदिर के मसले पर जब इन स्कूलों में देखा गया तो पता चला शिशु मंदिर में बहुत ही सलीके से अध्ययन और संस्कार देने का काम हो रहा है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्राचार्य की माने तो स्कूल में बच्चों को उनकी रुचि के विषयों के साथ साथ आध्यात्मिक, धार्मिक, खेल प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक क्रियाओं से भी अवगत कराया जाता है। साथ ही राष्ट्र के प्रति उनकी भूमिका क्या होना चाहिए, इस बात का पाठ भी सरस्वती शिशु मंदिरों में कराया जाता है। हमारा जो दिनचर्या का जो प्रारंभ हम कह सकते हैं, तो दिनचर्या का प्रारंभ ही हमारी वंदना, प्रार्थना, माँ शारदे की स्तुति से ही हम करते हैं। प्रभावी वंदना होती है। वंदना के पूर्व हमारे भैया बहन राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत पहले गीतों का गायन करते हैं। जब वो एक वातावरण बनता है उसके बाद हमारे भैया बहन कक्षा कक्षों में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर जो मैंने आधारभूत विषयों की बात की है, उन आधारभूत विषयों पर पहले शिक्षण से पूर्व उन पर चर्चा होती है। स्कूल के विद्यार्थियों ने बताया कि स्कूल में उनके शिक्षक देशभक्ति के अलावा उनके ज्ञान पर फोकस करते हैं, साथ ही जिन विषयों में उनकी रुचि होती है उस विषय पर भी अच्छे से पढ़ाया जाता है। आध्यात्मिक के साथ साथ विद्याध्ययन के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी मिलता है। वहाँ पर हमारी प्रार्थना होती है जो हमें भारतीय संस्कृति से जोड़ती है, और खेलकूद में भी हमें आगे बढ़ाया जाता है। हम मतलब जिसमें इंटरेस्ट रखते हैं उस फील्ड में हमें आगे बढ़ा जाते हैं। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्रा नाजिया मंसूरी ने बताया कि स्कूल में उसे उसकी रुचि के विषय का ज्ञान प्राप्त होता है, साथ ही खेलकूद, आध्यात्मिक और देश के प्रति भारतवासियों का कर्तव्य क्या होना चाहिए इस विषय पर भी पढ़ाया जाता है। मतलब हर चीज की शिक्षा दी जाती है, अनुशासन, जिस चीज की शिक्षा दी जाती है, और बहुत अच्छे से जैसे जिस चीज़ में हमारी रुचि है या जिस चीज़ को हम करना चाहते हैं या हमें भविष्य में जो चीज़ के लिए लक्ष्य है हमारा, यहाँ पे सभी दीदी प्रचार जी सब यहाँ पे हमें प्रोत्साहन करते ये चीज़ के लिए, और मतलब बहुत सी खेलकूद में किए जाते हैं यहाँ पे। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में प्रतिदिन छात्रों की शुरुआत प्रार्थना के साथ होती है। संस्कृत श्लोक पढ़ते हुए छात्र अपनी अपनी कक्षाओं में जाकर अपने विषयों को पढ़ते हैं। यहाँ पर सभी छात्रों को दीदी और भैया कहकर पुकारा जाता है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।